Hello, my dear. I am Ujjwal. Again, I am back with another awesome question. That's why you can understand the most conceptual things in probability. So today we are going to discuss about coin. So it is a case of coin. So here we have how much coins? 3 coins. So let's first read the question. We have a coin tossed 3 times. And full stop. That means a coin, एक coin है जो 3 times हम क्या कर रहे हैं, toss कर रहे हैं, ठीक है. Find the chance that head and tail show alternately. तो हमारे जो head and tail आने का chances alternately क्या है. तो हमारे पास question में क्या दिया हुआ है कि एक coin है जो 3 times toss कर रहे हैं, ठीक है. तो मतलब क्या है, एक coin है उसमें क्या होता है, head होगा या tail होगा, हेड होगा या टेल होगा. अब 3 कॉइंस है, 3 बार टॉस करेंगे, मतलब क्या है, हमारे सैंपल स्पेड्स अगर तीनों बार हेड आया तो 3 आए, तो टोटल कितना हो जाएगा, 3 कॉइन है और 3 बार टॉस कर रहे हैं, 3 बार काउंट करेंगे, 2 पॉसिबिलिटीज है, कॉइंस है 3 टाइम्स मतलब 3, तो 2 टू द पावर 3 पॉसिबिलिटी पावर नंबर ऑफ कॉइंस इज इक्वल टू 8. सो प्रोबेबिलिटी कुछ भी हो इसका नीचे वाला कितना होगा, 8 होगा, बिकॉज टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितना है, 8 है, इसलिए यहां पर कितना लिखेंगे, 8. मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस क्वेश्चन नीचे वाला क्या होगा, जो डिनोमिनेटर बोलते हैं इंग्लिश में, वो क्या होगा, 8 होगा. अब ऊपर क्या होगा वो फाइंड आउट करना है. वो कैसे पता लगेगा, क्वेश्चन से हमें निकालना पड़ेगा. याद रखना आप, कोई भी क्वेश्चन हो कितना भी डिफिकल्ट हो, क्वेश्चन का आंसर हमेशा क्वेश्चन के अंदर ही होता है. तो क्वेश्चन को पूरा पढ़ते हैं, हमने आधा क्वेश्चन पढ़ा. चांस दैट हेड एंड टेल शो अल्टरनेटली, मतलब क्या है, इसमें बोल रहा है हेड टेल और हेड, इस तरह कंडीशन आएगा, या फिर टेल हेड टेल इस तरह कंडीशन आएगा. तो इस चीज को पूरा समझने के लिए ये सारा कि कितने हमारे पास इस तरह का ऑल्टरनेटिव आएंगे, हम पूरा इनके सिंपल सैंपल स्पेस लिखेंगे, टोटल एट सैंपल स्पेस हम इसमें लिखेंगे, जिसमें से एक ये हो गया. अब लिखते हैं आगे, इसमें आ जाएगा हेड टेल हेड, दो हो गया पहला, ये दूसरा, उसके बाद हेड टेल टेल, दिस इज 3, अगेन टेल हेड हेड, दिस इज 4, and tell tell tell, this is 8, tell head tell, this is 5. Now what I am missing here, head tell head and tell tell head, this is missing here, another I am missing something, so head tell is there, anywhere head tell, head head tell, head head tell, head and tail is not there. So head, head and tail. This is 7. So this is 6. So first sample space is here. Second is here. Third is here. Fourth is here. Fifth is here. Sixth is here. Seventh is here and eighth is here. So हमारे क्वेश्चन में क्या है कि ये प्रॉपर्टी यहां से निकलेगा. क्वेश्चन हमारा क्या है कि head and tail alternately हमें शो करा रहा है. क्या ये शो कर रहा है, तो दिस इज ए पहला कंडीशन, हाँ जी एक शो कर, ये शो कर रहा है नहीं, ए नहीं, ए मतलब नहीं, ये भी नहीं, ये यस, दिस इज बी, दिस शो कर रहा है नहीं, ये शो कर रहा है, ये भी नहीं शो कर रहा है. तो हमारे पास क्या है, सिर्फ दो कंडीशन ऐसे आए आउट ऑफ ए जो शो कर रहे हैं हमारे प्रोबेबिलिटी में, जो निकालने दे रखा है. उन दो कंडीशन में से हम क्या करेंगे, 2 लेंगे यहाँ पर. So probability is equal to कितना हो जाएगा, favorable events by total number of events, that means 1/4. So this type of question generally as in competitive examination, जो competitive examination में होते हैं इस तरह का question पूछे जाते हैं. तो आपको एक concept याद रखना पड़ेगा, उसको solve करना पड़ेगा. अगर आप बहुत अच्छा familiar हो जाते हो इस तरह question को याद, मतलब इस तरह question को solve करने में, तो आप मुश्किल से 1 मिनट लोगे इन क्वेश्चन को सॉल्व करने, ओनली 1 मिनट यू विल टेक टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, एंड यू विल गेट
100% accuracy if you solve in this way. So the answer for this question is 1/4. I hope you got something from this video. And again, question change ho sakta hai. Isme kya bolenge? The probability of getting at least one hat. कम से कम वन है. क्वेश्चन नंबर बी. मैं ऐसे बना रहा हूं क्वेश्चन को क्योंकि इसमें क्वेश्चन कुछ भी बन सकते हैं. इस तरह का जनरली तीन केस के आते हैं क्वेश्चन, थ्री केसेस के क्वेश्चन आते हैं पेपर में, थोड़ा सा जो लेवल होता है क्वेश्चन को बढ़ाने के लिए, बिकॉज इसमें एक सैंपल स्पेस बनते हैं तो कंफ्यूजन का जो लेवल है बढ़ जाता है स्टूडेंट का. इसलिए क्या होता है, तीन सैंपल स्पेस हम लोग इसमें क्वेश्चन आते हैं पेपर में, तीन कॉइन वाला. चलिए एटलीस्ट वन है, इसमें है नहीं, इसमें है एक में है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, मतलब क्या है, टोटल हमारे पास इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा, इसका इधर नहीं दिखेगा, इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स बाय एवरेज इवेंट्स. टोटल नंबर एक को छोड़ के बाकी सारे में क्या है, एक कम से कम एक तो हेड है, कम से कम एक तो हेड है. तो क्या हो जाएगा, 8 is equal to 1. That means how much? 7. So ऊपर कितना होगा, 7. So probability for this question in this case would be 7/8. I hope you got this question and thanks for watching this video. Hope to see you again in my next tutorial and please subscribe this channel for getting more tutorials in your own subscription channel and you can get notified about it on your YouTube account. Thanks for watching. Hope to see you again in my next video. Bye bye.